हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इससे पहले मैंने मेल बॉडी का मेजरमेंट बताया था, किस अकॉर्डिंग मेल बॉडी का मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फीमेल बॉडी का मेजरमेंट देखेंगे। मेल और फीमेल बॉडी के मेजरमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट मेल बॉडी आपकी 7.5 होती है एंड आपकी फीमेल बॉडी 7 होती है। ठीक है, 7 पार्ट में डिवाइड होती है। और पार्टीशन किस अकॉर्डिंग होता है, पार्टीशन आपका होता है हेड का जो साइज होता है, आप अपनी ड्राइंग में हेड जितना बड़ा बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी का पार्टीशन होता है। ठीक है, और फीमेल बॉडी मेल बॉडी में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा भी मैं क्लियर किए दे रहा हूँ कि आपका जो मेल बॉडी है, ठीक है, मेल बॉडी में आपका कौन सा पोर्शन में क्या डिफरेंस होता है दोनों बॉडीज में। ठीक है, मेल बॉडी में आपका चेस्ट चौड़ा होता है एंड आपका जो कमर का पोर्शन है वो कम चौड़ा होता है। अब अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट होता है फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में क्या होता है, आपका चेस्ट का जो पोर्शन होता है वो कम चौड़ा होता है एंड जो कमर का पोर्शन होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको भी एक चीज़ शॉर्ट वे में मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि कौन सी चीज़ क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिवाइडेशन कैसे होता है, सेम उसी के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होता है जैसे कि आपने मेल बॉडी में डिवाइडेशन किया था हेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी जैसे कि इससे पहले कि मैंने क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ कि मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। तो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में आपको मेल बॉडी का पूरा फेस बता चुका हूँ, किस अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। आज हम क्या करेंगे, पहले हम फीमेल बॉडी के फेस से स्टार्टिंग करेंगे, किस अकॉर्डिंग फेस होता है, किस अकॉर्डिंग फ्रंट एंड साइड दोनों साइड के हम फेस बनाएंगे, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा उसमें क्या डिफरेंस होता है मेल फेस एंड फीमेल फेस में। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम ये एक इस तरह से सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, ये सर्कल बनाया है और इसी के जस्ट बगल में एक और सर्कल बनाया है। देखिए दो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट अब क्या करेंगे, एक सर्कल को हम, आपको अगर शायद ईजी लगता है तो आप इस तरह से कीजिए, सर्कल बनाने के बाद इसको आपको ओवल में, इसको ओवल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखिए इस अकॉर्डिंग ये ओवल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें साइड फेस बनाना है, तो इसको हम साइड तरफ में इस तरह से, ये देखिए ये बस इसको यहाँ से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा साइड व्यू हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं आपको, जिससे क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू साइड व्यू, ओके। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी डिटेलिंग पे, जैसे कि आपने, आपको जैसे मेल फेस में आपने किया था कि डिवाइडेशन करके प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग करना है। बस मेल फेस एंड फीमेल फेस में डिफरेंस क्या होता है, मेल फेस की जो मसल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और फीमेल फेस की जो मसल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। और हार्ड एंड सॉफ्ट हम कैसे दिखाएंगे, पेंसिल के प्रेशर से हम वो चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं। पेंसिल के क्लियर से क्या होता है, जहाँ आपका जैसे फीमेल फेस है तो उसमें सॉफ्ट लाइन्स चलाएंगे, मतलब उसमें कर्व्स बहुत सॉफ्ट होंगे, कहीं पर शार्पनेस नहीं होगी, कहीं पर जेमेटिकल फॉर्म में कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो फीमेल फेस में ये चीज़ होती है। और जहाँ तक कि मेल फेस की बात है, तो मेल फेस में क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें जेमेटिकल फॉर्म में होती हैं, उसमें आप एंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर आप इजिली देख सकते हो। ठीक है, फीमेल फेस में भी होता है, बट उसमें क्या सॉफ्टनेस के साथ चीज़ें आती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे के मैं पार्टीशन में आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने डिवाइडेशन कर दिया है। ये देखिए, ये इतना हो जाने के बाद अब हम इसको यहाँ से जस्ट हाफ करेंगे, जैसे जिस अकॉर्डिंग मैंने उसको बनाया था मेल फेस को, सेम उसी के अकॉर्डिंग हम फीमेल फेस को बनाएंगे। इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा। बस हाँ, मसल्स कहाँ कैसे क्या चेंज करें वो मैं जरूर चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये इस अकॉर्डिंग, अब इसमें मैंने पूरे उसका हाफ किया, देन अगेन हाफ, अगेन हाफ एंड ये देखिए हमारी फर्स्ट पार्ट में हमारी जहाँ आईज होंगी, यहाँ पे नोज एंड यहाँ पे लिप्स। ठीक है, इतना पार्टीशन डिवाइड हो गया। देन इसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो अभी आप एग बना रहे हो तो ये प्रॉपर वे में एग होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा हो गया या डिसबैलेंस हो गया तो आपका फेस की जो ड्राइंग्स है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि जो भी आप फॉर्म बना रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट हो चारों तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइज का डिवाइडेशन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम पॉइंट हम खाली रख रहे हैं, 1 2 3, देखिए 1 2, यहाँ इधर मतलब
ढाई इधर है तो ढाई इधर करेंगे, मतलब हाफ इधर से लेंगे, बाकी का वन, देखिए वन टू, सॉरी एक स्टेप गलत हो गया इधर, ये यहाँ से वन, ये टू, ठीक है ये इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये और ये लाइन को हम देखिए, जो हमारा ये वन हो गया, ये टू हो गया, ठीक है ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, तो हमारी टू एंड फोर जो लाइन है, टू और फोर का जो गैप है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसको हम इस तरह से जैसे लीफ होती हैं लाइक, उस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए कि यहाँ पे प्रॉपर जैसे आईज होती हैं उस अकॉर्डिंग हम आईज यहाँ पे बना रहे हैं। फर्स्ट देखिए मैंने आईज से स्टार्ट किया है, तो अगर अगर आपने इससे पहले अगर मेल फेस की ड्राइंग की होगी तो आप इजीली फीमेल फेस की ड्राइंग कर लेंगे। अभी जैसे जो आपको मैंने मेल फेस ज़्यादा शेडिंग के थ्रू बताया था, अब मैं यहाँ पे जो आपको फीमेल फेस बना रहा हूँ वो शेडिंग के थ्रू नहीं बता रहा, मैं आपको लाइन्स के थ्रू बता रहा हूँ। शेडिंग इसमें बाद में हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इससे आपको दोनों चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, शेडिंग के थ्रू हम मेल फेस कैसे निकालें या फीमेल के कैसे निकालें, या ड्राइंग के थ्रू हम कैसे मेल फेस निकालें या फीमेल फेस निकालें, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसके आई कवर बनाएंगे ऊपर का, देखिए इस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो इसकी हमारी आई लैशेज बना लेते हैं, या पर क्वेश्चन डार्क करते थोड़ा, अब ये इसको हम ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे हाइलाइटिंग छोड़ देंगे आईज़ के लिए, क्योंकि आपकी आईज़ में हाइलाइटिंग होती है तो वो बनाना भी ज़रूरी है, उससे आपका थोड़ा रियलिस्टिक लुक आता है हाइलाइटिंग बनाने से। देखिए आईज हमारी रेडी हो गई है, अब इसके मैं आई कवर बना दिए, अब यहाँ पे हम आईब्रो, ये देखिए ये आईब्रोज, और आईब्रोज कभी आप बनाइए हमेशा तो इस तरह से बनाइए, ठीक है, जैसे आपका माउंटेन होते हैं लाइक, जो साइड्स होती हैं तो उसको उसको आप अच्छे से, अभी देखिए यहाँ पे जिसे थोड़ा सा डेप्थ पता चले तो उसके लिए भी यहाँ पे इस तरह से पेंसिल से शेड किए दे रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इसको ये अलग ऊपर जो अपर लाइन्स हैं इनको हम, ये देखिए पूरा मैं दिखा रहा हूँ जिस उसी अकॉर्डिंग वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ नोज आएगी, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने शेडिंग बताया था, शेडिंग में आपको बताया था कि पहले शेड करिए, इसको शेड को अपर फ्लो में ले जाइए। इसमें क्या है करना है, इसमें हम जैसे फर्स्ट हम सेंटर में एक सर्कल बनाएंगे, देन उसके बाद उस सर्कल को सेंटर लेके बस इस तरह से कर्व करेंगे, ये देखिए इस अकॉर्डिंग, ठीक है। बाद में देखिए यहाँ पे शेड किया हुआ है हल्का सा, अभी आपको जैसे कि इसमें देख रहे हैं यहाँ पे शेड मैं कर रहा हूँ, किस अकॉर्डिंग शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे शेडिंग की मिक्सिंग के लिए भी मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले पेपर की रॉड बनाई थी, सेम उसी के अकॉर्डिंग इसको हम उससे मिक्स करेंगे, देखिए जैसे कि ये है हमारी पेपर की रॉड, सेम उसको इसी से अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे। बाकी जो हमारी पेंसिल की शेड है जो राउंड में दी हुई उसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, बाकी और पोर्शन ये देखिए मिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे, ये इस तरह से डिवाइड करने के बाद जहाँ हमारी लेंस की जो लाइटिंग है वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, देन यहाँ पे बीच में सेंटर में इस तरह से वी बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको दोनों साइड से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे चाहो तो आप हल्का सा शेड कर सकते हो, शेड करने के बाद इसको आप स्मच कर दो, ठीक है ठीक है स्मच कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे स्मचिंग करने के बाद शेडिंग से ही हल्का हल्का सा, ठीक है यहाँ पे नीचे भी इसी अकॉर्डिंग,
देखिए शेड में प्रॉपर जैसे इस तरह से हो रहा है, उसके चिन के नीचे जो शेड होता है वो करेंगे हम हल्का हल्का, जिससे अच्छे से हमारा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा रबर से इसकी लाइटिंग हम क्लियर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा फेस ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम सॉफ्ट करेंगे जिससे थोड़ा अब यहाँ पे इसका जो नेक बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे, ये देखिए यहाँ ये जो लिप्स है, लिप्स के जस्ट यहाँ से एंडिंग होती है वहाँ से इसका नेक बनाएंगे। और जो जेंट्स का नेक होता है लेडीज़ का नेक होता है, जेंट्स के नेक और लेडीज़ के नेक में भी फ़र्क होता है। जेंट्स का नेक काफ़ी हार्ड होता है एंड लेडीज़ का नेक बिल्कुल कर्व में आता है। ठीक है, जिस तरह से मैंने इसमें ड्राॅइंग में मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद आप इसके जो चिन के जो नीचे का पोर्शन है उसमें शेडो क्रिएट करेंगे। आपके नेक के नीचे की जो चिन की शेडो है वो नेक में आएगी। ठीक है, ये आपकी जो चिन की शेडो है। ये पूरा मैंने इसको अच्छे से इसमें मर्ज कर दिया। मर्जिंग के बाद ये देखिए यहाँ पे जो चेन की शेड है वो अलग मर्जिंग की है। अब यहाँ पे इसके हम हेयर पे वर्क करेंगे। हेयर पे वर्क के लिए कि सिंपल से आप जैसे चाहे वैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, आप बिल्कुल इसके लिए फ्री हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने ईयर बताया था तो ईयर भी सेम उसी अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। पहले हम किस थोड़ा शेडो पे वर्क कर लेते हैं। जैसे शेडो से क्या होता है, हमारा शेडो से चीज़ें और अच्छे से क्लियर आ जाती हैं। ये देखिए सेम ही चीज इधर भी हम जैसे मैंने इधर किया था। ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे इसके हम हेयर का वर्क करेंगे। देखिए ऐसे सिंपल सा मैं यहाँ पे इस तरह से हल्का से यहाँ पे ईयर का, क्योंकि आपके यहाँ पे पूरे ईयर शो नहीं होंगे तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लाइन बना जाएगा। अब यहाँ पे हेयर भी जैसे यहाँ पे कट आउट आएगा तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कैसे यहाँ पे मैंने किस किस अकॉर्डिंग शेड किया हुआ है, सेम उसी अकॉर्डिंग आपको शेड करना है। देन इसके बाद उसको आप मर्ज कर दीजिए। मैं आपको हेयर भी बता चुका हूँ कैसे करना है, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब अगर आप असेंबल इनको असेंबल करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये किस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इसके बैक में देखिए पूरा मैं ब्लैक कर रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से चीज़ें नज़र में आ जाएं और क्लियर में हो जाएं।
ये केवल मैं अभी आपको शेड बता रहा हूँ कि ड्राइंग किस अकॉर्डिंग ड्राइंग करनी है, ठीक है। शेड में मैं ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि आप ड्राइंग सही से बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बाकी जो आप इसकी जो रफ लाइंस हैं उनको मेरेज कर देते हैं पहले, ये जो हमारी ओवर लाइंस हैं ये सब चीज़ें इनको मेरेज कर देते हैं। ठीक है, हल्का हल्का से इसको, अब यहाँ पे हल्का सा देखिए शेड से लाइटिंग निकालेंगे हर गेम। देखिए हमारा ये पूरा इस तरह से ही है, ये चीज़ रेडी हो गई है। अभी ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल सा कुछ नहीं है, अभी मैंने केवल आपको सिंपल सी ड्राइंग का बताया, शेडिंग में मैंने इसमें फोकस नहीं किया हुआ है, ये आपको मैं क्लियर अभी बार बता दे रहा हूँ। अब इसमें क्या, देखिए ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अब फ्रंट साइड में और साइड फाइज में आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा किस चीज़ में सॉफ्टनेस होती है किस में सॉफ्टनेस नहीं होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पे ये ओवल बनाया, देन इसके बाद इस तरह से कर्व, ये हमारा स्केलेटन का साइड व्यू हो गया, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारे स्केलेटन का साइड व्यू हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने उसमें हाफ किया था वैसे हम इसको भी, ये देखिए ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब डिवाइड होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा जैसे ये कर्व है तो यहाँ पे हम हल्का सा कर्व लेंगे इस तरह से, सॉफ्ट में सॉफ्ट लाइन लेंगे, ये इस तरह का नहीं कर्व लेना है, ऐसे इस तरह से लाइट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से कर्व लिया, देन यहाँ पे हमने इसको लाइन को आगे टेल पोर्शन मोड़ा, देन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये देखिए चिन के नीचे की लाइन जो है वो कितनी सॉफ्ट है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम करने के बाद हम इसको इरेज कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर विजुअल हो जाए। मैं बीच वाली लाइन नहीं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आईज बनाऊंगा। ये देखिए नाउस, ये देखिए यहाँ पे हमारे लिप्स, ठीक है। ये चेन हमारा हो गया और यहाँ पे हम इसका ईयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी आइज बनाएंगे इस जगह पे जहाँ पे डेप्थ है। अब डेप्थ में क्या, आइज में क्या ना सिंपल सा आपको इस तरह से दो लाइन बनानी है, आपको मैं अलग ही बता दे रहा हूँ हाईलाइट करके। ये देखिए इस अकॉर्डिंग, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको आइज बनानी है यहाँ पे, यहाँ पे सेम, ठीक है। इसकी जो बाहर की जो आउटर लाइन है वो धीरे से फिनिश कर देते हैं अच्छे से। अब इसके बाद जो इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम हटा देते हैं, और जो साइड व्यू का जो शेडिंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि साइड व्यू की शेडिंग में काफ़ी डेप्थ है वो आपको ऐसे क्लियर नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे ये हेयर का बात रही, ये हेयर के लिए हम क्या करें, सिंपल सा देखिए ऐसे, यहाँ पे नेक, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने लाइन बनाई हुई है पूरी हेयर की। अब ये इसके, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बस इस लाइंस को कंटिन्यू करेंगे,
ये देखिए पूरा मैं इसमें आपको शेडिंग नहीं बता रहा हूँ, केवल ड्राइंग का पोर्शन मैंने इसलिए आपको क्लियरिफाई किया है। ये देखिए हमारा ये पूरा ये लेडीज़ का साइड, ये देखिए हमारा ये पूरा ये इस तरह से ड्राइंग का लेडी का साइड भी रेडी हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि साइड फेस की शेडिंग किस अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि साइड और फेस स्पेस में बहुत डिफरेंस होता है, उनकी शेडिंग में बहुत डिफरेंस होता है, लाइट एंड इफेक्ट में बहुत डिफरेंट होता है, सो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में साइड फेस की शेडिंग बताऊंगा किस अकॉर्डिंग की जाएगी और किस अकॉर्डिंग और उसमें आगे की चीज़ें बढ़ाई जाएगी। क्योंकि हमारी और एक चीज़ और, हम साइड व्यू से हमारा बॉडी पोस्चर कैसा दिखेगा, किस अकॉर्डिंग आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसको ट्राई कीजिएगा और उस शेडिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा। शेडिंग हो गया, लाइंस हो गया, लाइट इफेक्ट हो गया, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लाइट इफेक्ट से ही आपकी लाइंस क्रिएट होती हैं। अगर लाइट ना हो तो आपका ब्लैक कमरे में, अगर आप ब्लैक कमरे में वहाँ पर लाइट ना हो तो वहाँ पर कोई चीज़ें विजिबल नहीं हो सकती हैं। तो सेम वही चीज़ है, लाइट आपकी ड्राइंग के आपके ऑब्जेक्ट की लाइंस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपके घर में कोई मम्मी है पापा है, उनको आप फ्रंट में बैठा लिए, उनको देख के ड्रॉ कीजिए, लाइव ड्राइंग कीजिए, आपको काफ़ी गलत आई नो नहीं सही बनेगी, बट ट्राई कीजिए, वो आएगा आपका, आपको करने में मज़ा आएगा और ड्राइंग जब आप खुद देखोगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पता चलेगा। तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर।